सोलन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में अब जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों को छूट दे दी गई है, जिसमें कुछ व्यवसाय सप्ताह के 2 दिन खुलेंगे तो स्वीट शॉप, किराना, सब्जी और दवा की दुकानें रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वे कोई भी व्यक्ति वहां बैठकर खाना नहीं खा सकता है, केवल पैकिंग की अनुमति दी गई है। सभी दुकानें खोलने का समय 10 से 3 बजे किया गया है। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए एसपी सोलन अभिषेक यादव, डीएसपी रमेश शर्मा के साथ बाजार में निकले और दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही शहरवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि लोग जरूरी काम का हवाला देकर पास हासिल करते हैं और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे निरीक्षण करने निकले हैं और जो नियम जिला प्रशासन ने लागू किए हैं उनकी पालना सही हो रही है कि नहीं, इसको देखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जागरूक रहें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन ने जब से नई व्यवस्था लागू की है कि कर्फ्यू के टाइमिंग्स बदले गए हैं, कुछ शॉप जो पहले ओपन नहीं हो रही थी उनको अब खुलने की इजाज़त दी गई है, तो हम यही देख रहे हैं कि जो आदेश हुए हैं उनकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें। जो भी दुकानें खुली हुई हैं उनके सामने जो खरीदार खड़े हुए हैं वो प्रशासन ने यहाँ गोले लगवाए हैं, उन गोलों में ही खड़े हों और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और साथ में मैं ये भी चाह रहा हूँ, ये भी अपील लोगों से की जा रही है कि जब ज़रूरी हो तभी कोई सामान खरीदने निकलें। छूट दी गई है लेकिन छूट का इस्तेमाल भी ज़रूरत के हिसाब से ही करें। प्रशासन ने जो आदेश किए हैं उनके तहत 8 से 10 बजे तक जो सप्लाई आती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसको वेंडर्स रिसीव कर सकते हैं आधा शटर खोल के और वो सप्लाई अपनी ले सकते हैं। उसके बाद 10 बजे से उनकी शॉप ओपन हो सकती है। बाकी देखिए, व्यवस्था लागू हुई है और व्यवस्था में जो भी सुझाव आएंगे, जो भी सजेशंस आएंगे, उनको जिला प्रशासन एकोमोडेट करेगा। उनके तहत जो भी फीडबैक होगा, जो ज़रूरी लगेगा, इसको शामिल किया जाएगा आदेश में। सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा छूट या रिलैक्सेशन दी जाती है तो काफ़ी सारे लोग जो जेन्युइन कोई रीज़न उनका होता है तो रिलैक्सेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जब जो पासेस हैं या जो छूट है उसका दुरुपयोग भी किया जाता है, या कोई ज़रूरी काम नहीं है उसके बाद भी इंसान बाहर निकल रहा है। तो यही है, हम यही लोगों से अनुरोध कर रहे हैं बार बार कि जब बहुत ज़रूरी हो, जब कोई सामान खरीदना हो तभी छूट का, रिलैक्सेशन का प्रयोग करें, बिना किसी ज़रूरत के अनावश्यक बाहर ना जाएं।